उस शॉट के लिए पहुंच चुके हैं जी किंग अब्दुल्ला फैसल स्टेडियम। ठीक है, मैं तो लगवाऊंगा भाई गां, चलो ये नहीं बोलते हैं लेकिन देखते हैं कहां लगाते हैं। ये तो बैठ चुका हूं जी मैं वैक्सीन के लिए, अभी लगेगी तो दिखाता हूं आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बूस्टर डोज लगवाने चले हैं जी, यानी कि तीसरी डोज बोल रहे हैं आप। तो किस जगह से अपॉइंटमेंट लिया? जद्दा से। ये भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ के कुछ लाइव मनाजर आपके साथ शेयर करूँगा, यानी कि जो सूरत हाल है रश वगैरह के मुतल्लिक जी। तो जा रहे हैं, मैंने ये साथ में लोकेशन लगाई हुई है उस जगह की, यानी कि प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम जद्दा में मशहूर मरूफ है। तो वहाँ की अपॉइंटमेंट मिली है, तो दो दोस्त और हैं साथ, तो बहरहाल जा रहे हैं। मैं वहाँ के लाइव मनाजर फिर इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाता जाता हूँ जी। तो हम पहुँच चुके हैं जी अल फैसलिया ताइब ताइब, शुक्रन फैसलिया पहुँच चुके हैं जी, सॉरी किंग फैसल और स्टेडियम। मोबाइल शमाइल पूरे कर ले, मौलवी ने बेची तड़ी जन्ना तो रश देख लें जी आप यहाँ पर कितना लगा हुआ है। ये आप मेन गेट की तरफ देख लें, अभी तो अक्लना ओपन करेंगे क्योंकि आपको पता ही तो अक्लना अंदर नेट वगैरह का मसला बन जाता है, तो आप बाहर ही ओपन कर लें वही बेस्ट है। मेन गेट के ऊपर आपका तो अक्लना चेक होगा जी सिंपल, और उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं। और इसके आगे यहाँ पर चेक की जा रही है जी सेहती, ठीक है, यहाँ पर सेहती चेक की जा रही है, देख लें आप। और आप पीछे तो कल यहाँ पर सेहती पर आपका वैक्सीन का टाइम वगैरह सब देखा जा रहा है। उसके बाद आगे काउंटर लगे हुए हैं जी, पहले पर तवक्कलना, दूसरे पर सेहती भी, आप वैक्सीन का टाइम चेक करवाते हैं वो देखते हैं आपका। और उसके अलावा आप तवक्कलना से भी दिखा सकते हैं वो वैक्सीन आपकी जो बुक्ड है जो टाइम वगैरह है वो, ठीक है। ये दो बंदे साथ हैं जी, एक मैं तो इनको बोल रहा हूँ, मैं तो भाई लगवाऊँगा गांड के ऊपर आप चलते जाएँगे तो इससे अंदर आपको वो भेज देंगे। अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, लेकिन मैंने एक लड़का वापस गया है जी बवादी में, उसने ली हुई थी किसी मुतशफे में अपॉइंटमेंट, तो उन लोगों ने उसे वापस कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। गेट के ऊपर फिर चेकिंग और फिर अभी अंदर, और आगे यहाँ से हम देंगे इकामा नंबर और उसके बाद देख लें जी जाएंगे आगे। आप देख रहे हैं जी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया किंग फैसल स्टेडियम जद्दा, फुटबॉल का स्टेडियम है। तो इसके मुझे तो फुटबॉल का लग रहा है यार, अभी बड़ा है तो बहरहाल फुटबॉल का ही है यार यहाँ पर, और किस चीज़ का होगा। तो यहाँ पर वैक्सीन के मुतल्लिक पहुँच चुके हैं, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। बारी आ चुकी है जी मेरी 34 नंबर की, तो अंदर जा रहे हैं, अंदर वैक्सीन फिर लगवाते हैं। ये एक चीज़ के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा, ये मैंने सैनिटाइज़र वाला इसको हाथ लगाया तो देख लें ये कलर ख़राब हो जाते हैं। अगर इसको आप कम्प्लीटली सैनिटाइज़र वहाँ से लगा कर हाथ लगा तो फिर आपके टोकन से फिगर जो मिस हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा से वहाँ से निकलवाना पड़ेगा, मुश्किल बन जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ख्याल कीजिएगा। बाकी ये स्टेडियम के मनाजर जी, और अभी मैं हम अंदर जाएँगे तो अंदर से आपको दिखाता हूँ। बाकी डॉक्टर नहीं ये आया अभी तक, मैं बैठा हूँ, अभी आ रहा है लगाएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ देख लें टुडे जर्नी एंड बूस्टर शूट के मतलब कुछ एहतियाती तदाबीर वगैरह जो भी डिटेल इन लोगों ने लिखी हुई है, लेकिन अभी लेडी डॉक्टर नहीं पहुँची है जी जो कि हमें इंजेक्शन ठोकेगी। اول انا ركب ادابي معلوم سبيه جزان ايوه سكند دوز انا ركب ادابي سبيه يعني هو ركب هذا نفر الم هو الم الحمد لله الحمد لله الحين اذا في سخونه حراره ايوه بنادول حبتين ها طيب كل 8 ساعات بنادول طيب شكرا في الم هنا ايوه نسوي كمادات مويه بارده طيب خلاص طيب ابي लग चुकी है जी, बाहर जा रहे हैं। तो मैं आपको ना थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, यकीनन आप भाई अगर अभी तक नहीं लगवाई है तो आपको इससे फ़ायदा होगा।
सर्दी इतनी है जी कि जद्दा में जो टेंट भी देख रहे थे कि आप यकीन करें सर्दी से आदमी का दिल करता है कि बस गाड़ी में घुस जाऊं जी। तो अभी मैं रात को हम घर पहुंचे जी, अभी दिन के टाइम है तो आज मैं अभी बाहर निकला हूं मार्केट में। अच्छा ये मैंने शूज़ भी लिए हैं न्यू, 50% to 70% डिस्काउंट चल रहा था ये शोरीना के ऊपर, फिला वालों के हैं तो मुझे अच्छे लगे हैं। मुझे 50% तो नहीं बोल सकते, 40% डिस्काउंट बोल सकते हैं इसके ऊपर मुझे मिले हैं ये। तो बहरहाल आपको मैं वैक्सीन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता था कि अगर आप अभी लगवाने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका भाई सेहती और तवक्कल आप घर पर चेक कीजिए, चलते होने रहने चाहिए। और इसके अलावा आप वहाँ पर पहुँच जाए, आप दिखाएँ वगैरह इकामा नंबर दिखाएँ, वैक्सीन लगवा लें, सिंपल सा तरीका है। 1 फरवरी से आपको पता है जी आप तमाम मकाम के ऊपर दाखिल नहीं हो सकेंगे। अगर आपको इस वैक्सीन की आप एलिजिबल हुए इसके लिए और आप नहीं लगवा रखे हैं, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंटें मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट ले लें और लगवा लें यही बेस्ट है। अगर आप बाद में भाई लगवाते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी। और इसके अलावा अगर आपको अभी तक आप अन एलिजिबल हैं बूस्टर शॉट के लिए तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आपका स्टेटस इम्यून रहेगा, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, आप किसी भी इदारा वगैरह में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहता है, और वो उस टाइम नहीं रहेगा जब आपको 8 माह भाई गुजर चुके होंगे सेकंड डोज लिए हुए, उस टाइम आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। बहरहाल अपॉइंटमेंट मिल रही है तो ले लें, बेस्ट है, लगवा लें, यही तरीका है, अगर अभी सही है।